अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक हाईली इन्फॉर्मेटिव और हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जिस स्टॉक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक ग्रोथ कंपनी है और मार्केट की डायरेक्शन के साथ साथ परफॉर्म कर रही होती है। अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है तो ये मार्केट के साथ मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेगा और तेज़ी से ऊपर जाता है, और बहुत तेज़ी से ये स्टॉक नीचे भी आता है। तो जिन लोगों के लिए मैं स्टॉक आज एडवाइस कर रहा हूँ, वो लोग जो स्टॉक मार्केट से हाई रिस्क और हाई रिटर्न के साथ पैसा कमाना चाहते हैं और ऐसे ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि एक ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें जो आज से तकरीबन 2-5 साल के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट को 2-3 गुना या 10 गुना तक कर दे। तो जिस कंपनी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ऑटोमोबाइल असेंबलर की है, एच कार, होंडा एटलस कार के नाम से स्टॉक लिस्टेड है। अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी सैजियो से बड़ी कंपनी है और इस वक्त प्राइस में तकरीबन डिस्काउंटेड है इसकी, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी, इसने आप जब इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो आप खुद बताएंगे कि ये जो कंपनी है वो सैजियो को भी पीछे छोड़ सकती है। हाँ, लेकिन हालात जो है वो ऑटोमोबाइल के अगर उस लेवल पर आ जाएं जहां हम 2017 या 18 पर थे, तो फिर तो ये जो है वो सैजियो को बीट कर देगा ये शेयर। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती है जहां ऑटोमोबाइल को जो है वो टैक्स रिडम्पशन मिल जाए या फिर इनको वो छूट मिल जाए जो दूसरे ममालिक में है, तो पाकिस्तान की ये कंपनी जो है वो नंबर वन है इस वक्त ऑटोमोबाइल में। तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग हाई रिस्क और हाई गेन रिटर्न कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। होंडा एटलस कार्स, एच कार के नाम से स्टॉक लिस्टेड है और पूरी दुनिया में होंडा का नाम एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। जापान बेस्ड कंपनी है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है इनकी हो रही है, लेकिन जो पिछले 2-3 साल से ऑटोमोबाइल के जो हालात थे तो इनको यहाँ पे मवाफिक वो माहौल नहीं मिल सका जो दूसरी कंट्रीज में इस वक्त होंडा की जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन रिसेंटली थोड़ी बहुत बेहतरी आई है और इनकी जो सेल्स है वो बढ़ी है। जब ऑटोमोबाइल की सेल्स जब बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से इनका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो एक ग्रोथ कंपनी है, डिविडेंड इतना खास नहीं देती है, डिविडेंड वाला स्टॉक नहीं है। जो लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। ये ग्रोथ कंपनी है और ऐसे स्टॉक जो हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट को, अगर इनका जो बिज़नेस है वो मौका मिलता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। और जब डेफिनेटली बिज़नेस ग्रो करता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि किसी भी कंपनी का जब बिज़नेस ग्रो करता है तो वो तेज़ी से ऊपर जाता है। तो जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में पैसा लगा रही होती है, तो बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा होता है तो अल्टीमेटली शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा होता है और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो रहा होता है। तो एच कार कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये डिविडेंड दे देता है, लेकिन मैं इसको ग्रोथ कंपनी कहूँगा। और एक मल्टी बैगर स्टॉक है PSX में लिस्टेड। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त 295 रुपीज़ पर ये ट्रेड हो रहा है। लास्ट मंथ इसने 348 का हाई बनाया था, अब ये गिरते गिरते 295 पर आ गया है। ये स्टॉक जो है वो ऐसा स्टॉक है कि अगर ये चलने पर आए तो तकरीबन 1000 रुपीज़ का जो लेवल है वो भी आसानी से क्रॉस कर सकता है। अब मैं मिसाल लूँगा, जैसे साजियो ने 70 रुपये से और आज वो 1100-1200 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, इसी तरह से एच कार भी बिल्कुल साजियो की तरह है और ये एक वक्त में या तो बहुत नीचे जा सकता है या फिर एक वक्त में बहुत ऊपर जा सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न शेयर है। मार्केट कैप की बात करूँ तो इसकी 43 बिलियन है मार्केट कैप में, ये साजियो से बड़ा शेयर है और ब्लू चिप स्टॉक इसको भूल सकते हैं। EPS एक क्वार्टर का है, 2024 में 1.42 इसका EPS है। अर्निंग लास्ट पास्ट ईयर्स के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी इसकी अर्निंग होनी चाहिए। इसकी जो अर्निंग है वो मैक्सिमम अबव 40-50 के दरमियान होनी चाहिए। बुक वैल्यू इसकी 152 है
और डिविडेंड ये साल में कुछ खास डिविडेंड देता नहीं है। अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो डिविडेंड इसका बहुत कम है और सालाना डिविडेंड ये 6 से 8 रुपये का देता है। तो डिविडेंड देने वाला स्टॉक नहीं है ये। अगर इन्वेस्ट करना है तो इसमें ग्रोथ के लिए आपने इन्वेस्ट करना है कि ग्रोथ आपको देगा ये 2 गुना 3 गुना या 5 गुना भी आपकी इन्वेस्टमेंट को कर सकता है। हिस्ट्री का हाई 931 है जो 2017 में इस्तेमाल आया था। तो हालात बहुत अच्छे थे ऑटोमोबाइल के और इनकी जो सेल्स थी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कंपनी की, जिसकी वजह से शेयर का जो प्राइस आप देखें 931 पर पहुंच गया था। तो ऐसे शेयर्स जब इनको हालात अच्छे मिलते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं और मार्केट के ट्रेंड को भी फॉलो करता है शेयर। जब मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली ये जो शेयर है ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। मैंने आज की वीडियो में आपको एच कार डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।